अब जो बात दिल में हो, जो जुबान में हो, वो दिल में हो, उसको आप सच्चा कहेंगे ना। दुनियावी लिहाज से भी अगर आपकी जुबान में कुछ और है, दिल में कुछ और है, आप मुनाफिक हैं ना। दुनियावी हिसाब से भी अगर दुनियावी हिसाब से आप मुनाफिक हैं, तो अल्लाह के मामले में अगर आप जुबान में और रखें तो दिल में और रखें, तो आप बहुत बड़े मुनाफिक हैं। क्यों जी? जब आप नमाज पढ़ते हैं, उसकी नमाज पढ़ते हैं, जुबान से कहते हैं कह दे अल्लाह है क्या, दिल कहता है घर विच आटा ही कोनिया, ऊपर जुबान से कहते हैं अल्लाह उसमत अल्लाह बेनियाज है, दिल में कहते हैं बीवी बीमार है, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए, जुबान में और दिल में और, ये मुनाफ़क़त है। ऐसी नमाज कभी कबूल नहीं होती, भले सुन्नी हो या शिया हो या वाली हो। इस नमाज को नमाज सूरत बोलते हैं। मजद साहब फरमाते हैं हर आदमी की नमाज सूरत है, हसन खुदा की नमाज हकीकत है। फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत तलाश करे। नमाज हकीकत के लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। ये तुम्हारा पहला रुकन है, पहला रुकन तुम्हारा कलमा तैयब है। और हदीस शरीफ में अफजल जिक्र कलमा तैयब, इसका मतलब है कि कलमा तैयब जिक्र में है। और कुछ लोग वाकई मस्जिद में नमाज के बाद कलमा तैयब का जिक्र करते हैं। फिर कुरान फरमाता है और दूसरे लोगों के लिए उठते बैठते हत्ता करते लेते मेरा जिक्र कर, खरीदो फरोख में भी से वाफल ना रहना। ये तुम्हारा पहला रुकन है, ये तुम्हारे कुरान का पहला लफ्ज है। अल्लाह से अल्लाह अल्लाह कर, अगर इसकी जलालत से डरता है तो नाम से ला इल्ला इल्लल्लाह का जिक्र कर, अगर इसकी भी तौफीक नहीं है तो मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहे, अगर इसकी भी तौफीक नहीं है फिर कुरान में लगा रहे, फिर पता नहीं कुरान तुझे हदायत दे या तुझे गुमराह कर दे। क्योंकि कुरान उनको हदायत देता है जिनके नफ्स पाक हो चुके हैं, बकायदे लिखे हुए हैं कि हो तो लिल मुत्तकीन, हदायत करता है पाकों को। ये जो हदायत करता है पाक लोगों को हदायत करता है। और वो जो पाक लोग थे, वो जो हमारे आलम थे, उन्होंने इन्हीं से कुरान के जरिए काफरों को मुसलमान बनाया ना, और उनकी तोहीन दीन इस्लाम की तोहीन है। हजूर पाक फरमाते हैं उन आलमों के लिए, उनको आलम रब्बानी भी कहते हैं कि मेरे आलम बने इसराइल के नबियों की मान बने। कहां मुसलमानों में कहीं भी फितना खड़ा होता फौरन पहुंच जाते उसको जाके मिटाते। तो जिन आलमों ने नफ्स पाक हुए बगैर इससे हदायत पाने की कोशिश करी, वो खुद भी गुमराह हो गए और 72 फिरके बना गए। और वो जो कहते हैं ना कुरान मजीद कि कुछ लोग हैं जिन पे कुरान लानत करता है, ये वही लोग हैं ना भाई। उनको लोग लानती कहते हैं ना, काफर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं ना, फिर लानती तो हो गए ना। और वो लोग काफरों को मुसलमान नहीं बना सकते, वो तो उन लोगों ने बनाया जिनके नफ्स पाक थे। ये मुसलमानों को काफिर कह सकते हैं, मुसलमानों को काफिर कह सकते हैं। वो फितने मिटाते थे, ये रोज एक नया फितना खड़ा कर देते हैं। इनके पास फितना क्या है कि बस फतवे लगा दो, फतवा इनके पास बहुत बड़ा फितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बनके मस्त पलंग रहेंगे, ये दुनिया वाले भंग रहेंगे। ये पहली सुन्नत भी है। हजूर पाक को 9 साल की उम्र में इसमें जात अता हुआ है, किसी नबी को अता नहीं हुआ इसमें जात। उनको सिफाती इस्मा मिलते रहे, सिर्फ हजूर पाक को 9 साल की उम्र में इसमें जात अता हुआ। जब आप लोगों को मुसलमान बनाते थे, नमाजें तो उतरी नहीं थी उस वक्त, तो वो मुसलमान क्यों करते थे? हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते हैं, जिक्र अल्लाह ही से उनके सीने मनोवर हो गए। फिर जब नमाजें उतरी अलकों में नहीं अटकी, सीधी सीनों में गई। ये तुम्हारी पहली सुन्नत, इसके लिए तुम्हें अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा, क्योंकि कुरान मजीद फरमाता है उठते बैठते हत्ता करोटे लेते वक्त भी मेरा जिक्र कर, खरीदो फरोख में भी जिक्र कर। दिल की धड़कनों के साथ इसको मिलाना होगा।
फिर कोशिश करोगे काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे गाड़ी चलाता रहूं, अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे। उस वक्त जुबान कहेगी के भी अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह 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 उस्मान, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। अब जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है। अब जो जुबान में पूरी दिल में, जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मुजम्मल में, जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है और दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह अल्लाह। जबान का तसरफ है, अमेरिका से बोलते हैं यहां सुनते हो, और दिल का तसरफ है यहां गूंजता है, अर्श मौला वाले सुनते हैं। तुम्हारी नमाज को ये दिल अर्श मौला में पहुंचाएगा। अब इस्लामी ममालिक सारे हैं, इराक भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, इस जबान से सारे एक हैं, क्योंकि जबान से सारे कलमा पढ़ते हैं ना, और दिल से तो एक नहीं है। दिल से एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते हैं, लड़ते हैं। जब तुम्हारे दिलों में भी अल्लाह आ जाएगी, फिर जुबान से भी है और दिल से भी है, फिर ना शिया रहेगा तो ना देवबंदी रहेगा, ना सुन्नी रहेगा, बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में, गुलामी ये रसूल में, जो हो ना इश्क मुस्तफा।